नमस्कार दोस्तों, तूली द व्लॉगर में आप सबका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी वाटर टेक्निक विद मंत्र चैंटिंग। जी हाँ, इसका क्या कनेक्शन है वो सारी चीजें मैं आप लोगों को बताऊंगी। साथ में आपकी अगर कोई इच्छा है, इच्छा पूर्ति के लिए भी पानी का उपयोग हम लोग करते हैं। साथ में पानी की एक खास मेमोरी होती है जो हमारी सारी बातों को समझता भी है, सुनता भी है और उसके अकॉर्डिंग ही वो रिएक्ट भी करता है। तो वो सारी चीजें आज की इस वीडियो में। लेकिन हमेशा की तरह आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को दबाइए। वीडियोस अच्छी लगती है तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिए। आगे बढ़ते हैं। हमारा जीवन जीवन ही नहीं है, क्योंकि खाना मिले ना मिले, कुछ मिले ना मिले, लेकिन पानी हमें चाहिए होता है। तो पानी में जीवन है, पानी की एक याददाश्त भी होती है। मेरी 2-3 वीडियोस है वाटर टेक्निक के रिलेटेड, लेकिन आज की जो वीडियो है ये मैं क्लीम मंत्र के साथ, साथ में आपके इष्ट देव का जो भी मंत्र है वो इसके साथ जोड़ रही हूँ। और आपकी इच्छा, जो भी इच्छाएं हैं वो पानी के माध्यम से हम कैसे पूरा करते हैं। दोस्तों हमारे यहाँ टेक्निक्स की कमी नहीं होती है, क्योंकि छोटी छोटी एनर्जी बहुत ज़्यादा काम करती है। हमें बस ढूंढने की ज़रूरत होती है कि वो एनर्जी किस में है, राइट? तो बहुत सारे टेक्निक्स हैं, जितना मैंने आप लोगों को बताया है और भी टेक्निक्स हैं, मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊँगी। लेकिन फिलहाल बात करते हैं वाटर टेक्निक की जो है मेरे पास। जी हाँ दोस्तों, पानी की अपनी मेमोरी होती है, ये हमारे विचारों के आधार पर ही रिएक्ट करती है। अब पानी में खड़े रहकर आप गाली गलौज करोगे, गलत बातें बोलोगे, तो ये पानी वही ले रहा होगा। लेकिन उसी माध्यम से अगर आप इसके साथ प्यार से कुछ बातें कहोगे, अपनी इंटेंशन को दोगे, अपनी प्यार से रिलेटेड कोई इच्छा को बताओगे, या फिर इस पर अच्छी अच्छी बातें कहोगे, अच्छे अच्छे मंत्र का चैंटिंग करोगे, तो इसके एक क्रिस्टल फॉर्म तैयार होता है। तो यहाँ पर जो कहने वाली बात है कि हमारे दिल में ना बहुत सारी इच्छाएं होती है, जिसकी वजह से हम पूजा भी करते हैं और मंत्रों की चैंटिंग भी करते हैं। सबसे पहले करना है कि पानी को हमें अपने हाथों पे रखना है, ठीक है? ये पानी ना कोई भी एनर्जी ये अब्सॉर्ब करती है, वो नेगेटिव हो, वो पॉजिटिव हो, या वो मिक्स्ड एनर्जी हो। लेकिन यहाँ पर जो पानी की टेक्निक मैं आप लोगों को बताऊंगी, कि मैंने आप लोगों को पहले सिखाया था कि पानी को पकड़कर एक टक पानी को देखते हुए अपनी विश को बोलना है। ये टेक्निक आप लोगों को पता है और ये टेक्निक भी बहुत पावरफुल होती है, खास करके सबकॉन्शियस माइंड जब हमारा बहुत ज्यादा एक्टिव रहता है तब आप करेंगे तो इसका रिजल्ट और ज्यादा अच्छा आता है, यानी कि सोने जाने से पहले, सोकर उठने के बाद। याद रखिए, जब भी हम पूजा करने बैठते हैं, यानी जब मंत्रों का चैंटिंग करते हैं, क्लीम मंत्र करते हैं, गायत्री मंत्र करते हैं, या फिर बहुत अपने इष्ट देव का मंत्र करते हैं, बीज मंत्र का जाप करते हैं, तो अपने पास हमेशा से, ये नई टेक्निक सिखा रही हूँ, एक कांच के ग्लास में पानी भरकर अपने पास में जरूर रखें। यानी जब भी हम मंत्रों का चैंटिंग करें तो हमारे पास एक ग्लास पानी होनी चाहिए। याद रखिएगा, ये पानी हम जो भी पूजा पाठ कर रहे हैं या फिर मंत्रों की चैंटिंग कर रहे हैं, इसका जो एनर्जी है इस पानी के अंदर जाता है। तो जब आपकी पूजा फिनिश हो जाए, जब 108 का मंत्र चैंटिंग आपका फिनिश हो जाए, तो 10 मिनट इस पानी को वहीं पर, उस स्थान पर रहने दीजिए जहां पर आपने पूजा की और आपने मंत्रों का चैंटिंग किया। खत्म होने के बाद 10 मिनट के बाद आप इस पानी को छोड़िए। छोड़ने के बाद 10 मिनट काउंटिंग देखिएगा, 10 मिनट तक पानी को हाथ ना लगाएं। उसके बाद उस पानी को आपको पी जाना है, और वो भी
जैसा मैंने आप लोगों को सिखाया है कि उस पानी को जब फिर पकड़े, अपनी हाथों की गर्मी दे, अपने इंटेंशन को कहे, अपनी इच्छा शक्ति को कहे, उसके बाद इस पानी को पी जाए। ये बहुत ही आसान टेक्निक होता है, लेकिन बहुत ही पावरफुल टेक्निक है, क्योंकि इसमें करने से आपको खुद दिखेगा कि इसका एक जो अलग ही हमारे जीवन में प्रभाव पड़ रहा है। यानी हमारी इच्छा शक्ति तो बहुत प्रबल होती है ना, तो वो इच्छा शक्ति क्या होती है, पानी अब्सॉर्ब कर रही होती है, साथ में मंत्रों की चैंटिंग करते हैं, तो ऐसे ही ये बहुत ज्यादा अपनी एनर्जी को पावरफुल बनाती है। और वही एनर्जी जब इस पानी में जाती है तो पानी वही चीज अपने मेमोरी में लेता है जो हम इसमें डाल रहे होते हैं। तो इसीलिए आपको इस पानी को एक टक उसके बाद आफ्टर 10 मिनट्स आपको इस पानी को देखकर अपनी विश कहनी है और उसके बाद इसे पी जानी है। इसका असर यही होता है कि आपकी जो भी एनर्जी है, जितनी भी एनर्जी आपने अभी तक अपनी चैटिंग की है, अपने 7 चक्रास को जागृत किया है, आपकी चारों ओर एक ऊर्जा बनी है जो इस पानी के अंदर जाती है। तो ये वाटर टेक्निक बहुत ही पावरफुल है, इसे करके देखिए। अपनी इच्छाओं के लिए, अपने कोई भी इच्छा है जिसे आप पूर्ण करना चाहते हैं, वो इस वाटर टेक्निक के माध्यम से करके देखिए, बहुत जल्दी इसका अच्छा रिजल्ट आता है। मैं कुछ लोगों को एक बात और कहना चाहती हूँ कि प्रैक्टिस के ऊपर ही हमें रिजल्ट मिलता है। आप चाहोगे आज करोगे, कल करोगे, रिजल्ट जरूर मिल जाएगा। सब कुछ डिपेंड करता है आपकी इच्छा शक्ति पर। तो इसीलिए डिसअपॉइंट मत होया कीजिए कि एक दिन में नहीं मिला, दो दिन में नहीं मिला, इसे करते रहिए। सारी चीजें जो है ना, वो प्रैक्टिस के ऊपर ही होता है। इसमें कंटिन्यूटी रखिए, फिर देखिए इसका चमत्कार होता है या नहीं होता है। तो आई होप आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इस तरह के वीडियोज मैं आप लोगों तक लाते रहूंगी। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार।